संख्या की बात आपने की है, तो जरा अपने दर्शकों को वो संख्या भी बता दे कि क्या वाकई संकट की घड़ी ये है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। बीजेपी की 32 सीटें आई थी, आपको याद होगा, 28 सीटें आम आदमी पार्टी की, जो अब रह गई हैं 27 क्योंकि विनोद कुमार बिन्नी को पार्टी से निकाल दिया गया है। कांग्रेस की सीटें आई थी 8 और अन्य की सीटें 3। इन्हीं में से एक शोएब इकबाल है, जो 3 आप नीचे देख रहे हैं उन्हीं में से एक है, वो जेडीयू से जीते थे। इस बीच 70 सीटें हैं कुल, सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, जिसमें 28 उनकी खुद की, कांग्रेस के 8 विधायकों ने समर्थन किया, इधर शोएब इकबाल ने भी किया था। अब सवाल यही है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें अब अगर कांग्रेस की तरफ से ये 3-4 विधायक हैं जिनका वो नाम ले रहे हैं, शोएब इकबाल एक हैं, ये सब विरोध में खड़े होते हैं, तो क्या सरकार गिरने की परिस्थिति पैदा हो सकती है? यही है वो सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग, सवाल यही है कि ये जो सूत्रधार एक तरह से है विनोद कुमार बिन्नी साहब, इनकी तो आत्मशक्ति का परीक्षण उसी दिन हो गया था जब जंतर मंतर पर नाश्ते के वक्त अनशन पर बैठे और दोपहर होते होते कहने लगे कि अन्ना ने कहा अनशन से कुछ नहीं हो सकता।